बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ एट क्लास। नाउ वी स्टार्टेड नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन थ्योरम 12.1.2। प्रीवियस थ्योरम जो हमने किया था वो 12.1.1 था, जो 12.1.2 सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम जो है वो कन्वर्स है फर्स्ट थ्योरम का, ठीक है। किसी भी थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, अगर आपको कोई भी थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन हो तो उसमें इज़ और देन से पहले की जो स्टेटमेंट होती है वो आपके पास गिवन होती है, इज़ और देन के बाद जो स्टेटमेंट होती है वो आपके पास प्रूव होती है। अब कन्वर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक थ्योरम वन था उसका हम ओपोजिट लेके चलें, कन्वर्स लेके चलें, कैसे? स्टार्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये आपके पास गिवन है यहाँ पे, बट हम जब सेकंड थ्योरम पे जाएं स्टार्ट वाली जो स्टेटमेंट है गिवन वाली उसको प्रूफ में उठा के लिख दें और जो फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ था उसको गिवन में उठा के लिख दें तो वो कन्वर्स होता है, ओपोजिट रिलेशन हो जाता है। मींस के थ्योरम वन का जो गिवन हुआ वो थ्योरम टू में जाके प्रूफ बन गया और थ्योरम वन का जो प्रूफ है वो थ्योरम टू में जाके गिवन बन गया। मींस के एक का गिवन सेकंड का प्रूफ और फर्स्ट का प्रूफ सेकंड का गिवन बन जाए तो हम उसे कन्वर्स कहते हैं। तो देख लें यहाँ पे कन्वर्स क्या है, आपके पास थ्योरम 12.1.2 कह रही है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। कोई भी आपके पास लाइन सेगमेंट हो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी हो तो इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो वो जो पॉइंट पी होगा वो उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाए करेगा। सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम बनानी है, डायग्राम आपने पेंसिल से बनानी है। आपने डायग्राम बनाई, आपने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की, ठीक है। आपने पी को ज्वाइन किया ए से, पी को ज्वाइन किया बी से और बता दिया कि ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। अब आपने पी ए बी एक ट्राइंगल शो कर दी, ठीक है। अब हम गिवन की तरफ चलेंगे, गिवन क्या है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करनी है और इससे पहले ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद लिखा है ना ऑन द राइट, यहाँ से ब्रैकेट ओपन की और यहाँ पे जाके ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है यहाँ से ओपन हो रही है और यहाँ से क्लोज, फर्स्ट ब्रैकेट शो कर रही है गिवन को, मीन्स के फर्स्ट ब्रैकेट गिवन को शो कर रही है। तो ये जो फॉर्म में लिखा है हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड ब्रैकेट इसके बाद शुरू हो रही है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो सेकंड ब्रैकेट जो है वो आपके पास क्या होगा, ये आपका प्रूफ होगा। ये आपने स्टेटमेंट को प्रूफ में लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, सबसे पहले गिवन की हेडिंग दी जाती है। गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन सेगमेंट का वर्ड यूज़ हुआ था। सो हमने क्या किया, जब डायग्राम बनाई तो ए बी लाइन सेगमेंट है तो ए और बी उसका नेम आ गया। सो यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट नहीं जस्ट लिखा, हमने लिखा ए बी, साइड ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि साइड ए बी जो है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी पॉइंट, एनी पॉइंट, पॉइंट का वर्ड यूज़ हुआ तो हमने पॉइंट को नेम दे दिया पी, यानी कि पॉइंट पी, पॉइंट पी। और यहाँ पे कहा था इक्वल डिस्टेंस पे है तो हमने बताना है कि वो कहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है। हमने कहा पॉइंट पी इज सच दैट इस फॉर्म में है कि पी ए का डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस का वर्ड यूज़ हुआ, हमने डिस्टेंस को मैथमेटिकल लिख दिया, क्या पी ए, साइड पी ए कॉन्ग्रेंट है साइड पी बी के, मीन्स के पी ए का डिस्टेंस और पी का डिस्टेंस इक्वल है। तो मैंने कहा था इक्वल को थ्योरम्स में कॉन्ग्रेंट लिखा जाता है, तो पी ए कॉन्ग्रेंट है पी बी के। तो क्या किया, जो हमारे पास स्टेटमेंट थी हमने उसे मैथमेटिकली जाके लिखा और किस में लिखा, गिवन में। अब नेक्स्ट ब्रैकेट जो है वो प्रूफ को शो कर रही है, अब प्रूफ को हमें मैथमेटिकली लिखना है। सो हम हेडिंग देंगे टू प्रूफ की। अब प्रूफ में देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या है, कह रहे हैं ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, यहाँ पे बताना है कि राइट बाइसेक्टर शो करना है प्रूफ में। तो क्या है, द पॉइंट पी, मीन्स के जो पॉइंट पी है कहाँ पे है, ऑन द, कहाँ पे है, ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर किसके, राइट बाइसेक्टर पे ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके राइट बाइसेक्टर पे लाए कर रहा है। थर्ड स्टेप है हमारे पास कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन पी टू सी
आपने पी को सी से ज्वाइन किया, पी को ज्वाइन किया सी से, तो देखें हमने इसे डॉटेड लाइन से शो किया क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, हमने इसे डॉटेड लाइन से शो करना है। ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और सी क्या है, वो ए बी का मिड पॉइंट है, इसके मिड में है, जितना पोर्शन इधर होगा उतना पोर्शन उधर होगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रूफ स्टेटमेंट रीज़न। जब भी प्रूफ स्टेटमेंट रीज़न है हमने क्या करना होता है, जितने भी 12 चैप्टर के थ्योरम है हमने कंपैरिजन चेक करना है टू ट्राइंगल्स के दरमियान। तो टू ट्राइंगल बनी कैसे, देखें जब हमने पी को ज्वाइन किया सी के, सबसे पहले एक ट्राइंगल थी हमारे पास ए बी पी, जब हमने पी को ज्वाइन किया सी के साथ तो टू ट्राइंगल्स बनी है, एक ट्राइंगल ये बनी और ये ट्राइंगल बनी है सेकेंड ट्राइंगल। टू ट्राइंगल जब आ गई हैं तो हमने इनका कंपेरिजन चेक करना है, कंपेरिजन चेक करने के लिए हम कहेंगे इन ट्राई एंगल ए सी पी, और ये करस्पॉन्डिंग का साइन है, कंपेरिजन का साइन है ट्राई एंगल बी सी पी के। जब कंपेरिजन चेक किया जाता है साइड्स को देखा जाता है और एंगल को देखा जाता है, कोई सी थ्री जो है वो साइड या एंगल या टू साइड या वन एंगल, कोई सी तीन चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले देखें पी ए कॉन्ग्रेट है पी बी के, मीन्स के पी ए कॉन्ग्रेट है पी बी के, ये आपने कहाँ लिखा था देख लें यहाँ पे, ये आपने पी ए कॉन्ग्रेट पी बी के ही लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है गिवन में। सो हम इसकी रीज़न देंगे गिवन, हम इसकी रीज़न देंगे गिवन, क्यों दी हमने पी ए की रीज़न गिवन पी बी के इक्वल, क्योंकि हमने ये गिवन में लिखा, तो साथ आप लोगों ने रीज़न लिख दी गिवन। नेक्स्ट है पी सी कॉन्ग्रेट है पी सी के, मीन्स के अगर टू ट्राइंगल है तो पी सी दोनों में क्या आ रहा है, कॉन्ग्रेट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप जब लिखेंगे पी सी कॉन्ग्रेट है पी सी के तो आपने यहाँ पे कॉमन की नोटेशन देनी है, रीज़न क्या देनी है कॉमन की। थर्ड है ए सी कॉन्ग्रेट है बी सी के, देखें ए सी कॉन्ग्रेट है बी सी के, ये क्यों कॉन्ग्रेट है, जब कह दिया कि सी जो है वो ए बी के मिड में लाई कर रहा है, तो मैंने कहा था जितना पोर्शन इधर है उतना पोर्शन इधर होगा, सो ए सी साइड सी बी के कॉन्ग्रेट होगी। सो यहाँ पे क्या है ए सी साइड बी सी के, ये आपने कहाँ लिखा था कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में कहा था कि जो सी है वो मिड पॉइंट है, जब कंस्ट्रक्शन में मिड पॉइंट शो कर दिया इट मीन्स के साइड ए सी कॉन्ग्रेट है बी सी के, तो यहाँ आपने रीज़न दिए कंस्ट्रक्शन की। देख लें 1 2 3 साइड कॉन्ग्रेट आ गई हैं, कोई सी टू ट्राइंगल्स थी उनका कंपैरिजन चेक किया और थ्री साइड कॉन्ग्रेट आ गए। जब थ्री साइड कौन सी तीन चीज़ें कॉन्ग्रेट आ जाएँ तो हम कह देते हैं कि जो टू ट्राइंगल जिनका कंपैरिजन चेक कर रहे थे वो कॉन्ग्रेट है। हमने अगेन वो ट्राइंगल इसी तरह से उठा के लिखेंगे, लिखेंगे ट्राइंगल ए सी पी ट्राइंगल बी सी पी, बट कंपैरिजन का साइन हटा के हमने लिख देना है कॉन्ग्रेट, क्योंकि कंपैरिजन शो हो गया ये कॉन्ग्रेट है, तो हम कह देंगे ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रेट है ट्राइंगल बी सी पी के। अब रीज़न हमने बतानी है कि क्यों कॉन्ग्रेट है, हमने क्या चेक किया, हमने थ्री साइड चेक की, सो हम कह देंगे थ्री साइड साइड डॉट साइड कॉन्ग्रेट है साइड 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 के, मीन्स के तीनों साइड एक ट्राइंगल की तीनों साइड कॉन्ग्रेट है दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड से, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं या भी ये भी कह सकते हैं कि साइड 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 पोस्टुलेट बस कॉन्ग्रेट आ गई हैं, तो आप जाहिर सी बात है अगर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेट है तो उनके तीनों साइड और तीनों एंगल कॉन्ग्रेट होंगे। सो हमने कह दिया एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेट है बी सी पी के, हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे दिया। अब हमने ये क्यों लिखा कि ए सी पी कॉन्ग्रेट है बी सी पी के, हमने रीज़न बतानी है कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेट थी तो ये क्या है एंगल है, ये देखिए यहाँ पे एंगल की नोटेशन है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल है, तो अगर कोई सी ट्राइंगल टू कॉन्ग्रेट हो तो उनके एंगल भी कॉन्ग्रेट होंगे, हमने एंगल कह दिया कॉन्ग्रेट है। सेकेंड बट एंगल ए सी पी प्लस बी सी पी, ये दोनों को प्लस किया जाए तो किसके इक्वल आता है 180 के, 180 वाले कौन से एंगल होते हैं, कोई से टू एंगल को सम 180 आ जाए तो वो कौन से एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, अगर कोई से टू एंगल का सम 90 आ जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सिमिलरली अगर कोई से टू एंगल का सम 180 आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर ये दोनों एंगल जो हैं वो 180 के हैं इट मीन्स के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितने के होंगे 90 के, क्योंकि दोनों सेम हैं, ऊपर हमने कह दिया दोनों इक्वल हैं तो ये डिफरेंट नहीं हो सकते, दोनों सेम होंगे, ये भी 90 का होगा ये भी 90 का होगा, देन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 होगा, सेकेंड ने को यहीं कह दिया। थर्ड है पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, परपेंडिकुलर क्या है, मैंने कहा था अगर कोई वर्टिकल फॉर्म में लाइन है इस तरह से
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऐसे वर्टिकल लाइन है। अगर कोई टू लाइन इस तरह से कट कर रही हो कि वो 90 का एंगल बना दे, अगर 90 का एंगल बना दे तो वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और परपेंडिकुलर का साइन जो होता है वो आपके पास इस तरह का होता है। ये जो नोटेशन है आपके पास परपेंडिकुलर की है, ये नोटेशन किसकी है, परपेंडिकुलर की है। सो वो परपेंडिकुलर बन रहा है, पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ये थर्ड इक्वेशन आ गई है। ए सी पी कितना है, वो 90, वो हमने ऊपर प्रूव कर दी। यहाँ पे हमने बता दिया था ए सी पी क्या है, वो 90 है। अब देख लें, अगर ये परपेंडिकुलर है तो सी ए कॉन्गेट है सी बी के, मीन्स के सी ए का जो डिस्टेंस है वो सी बी के क्या होगा, कॉन्गेट होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये भी शो होगा, कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था पी सी इज, अगर पी आपके पास सी बी सी ए जो है कॉन्गेट आ रहा है, सो हम कह देंगे कि पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जो पी सी है वो राइट बाइसेक्टर है, क्यों, क्योंकि वो 90 का एंगल बना रहा है और उसके मिड में से पास हो रहा है। द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सो जो पॉइंट पी है वो उसके राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी को